दोस्तों जीएसटी के कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूं जैसा कि आप सभी को पता है जीएसटी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के अंदर जो सबसे इम्पॉटेंट है वो तो है हमारी जी एस टी आर वन की लेट फीस जो कि कहा जा रहा है कि आपकी जी एस टी आर थ्री बी में ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगी कब से ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगी इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या एडवाइजरी इशू नहीं की गई है इसी इम्पॉर्टेंट चेंज के साथ कुछ अदर इम्पॉर्टेंट चेंज हैं जो नीडिड हैं बहुत ही ज़्यादा उन चेंजेस की हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर ये सभी चेंजेस प्रोपोज कर दिए गए हैं रिकमेंड कर दिए गए हैं जो भी चेंजेस रिकमेंड किए जाते हैं वो धीरे धीरे अप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं तो उन्हें जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट नोट से लेकर के लेकिन उससे पहले कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज बताने जा रही हूँ दोस्तों इसके अंदर जो चेंजेस रिकमेंड हुए हैं अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन टेन यानी कि कॉम्पोजिशन वालों के लिए है हैज़ नोट फर्निश्ड यानी कि अब कैंसिलेशन के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या चेंज हो जाएंगी द रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर अगर उसने अपनी फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी बियॉन्ड थ्री मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग सैड रिटर्न जो ड्यू डेट थी उसके तीन महीने के बियॉन्ड अगर फाइलिंग नहीं हुई और जो नॉर्मल रेगुलर फाइलर्स हैं उनके लिए क्या चेंज कर दिया गया है पहले जो यहाँ पे कंडीशन थी एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज बी हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर अ सच कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स पहले क्या कहा था कंटिन्यूस पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स तक आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन अब यहां पे क्या चेंजेस रिकमेंड कर दिए गए हैं एनी रजिस्टर अदर देन पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज बी हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब अब ये प्रिस्क्राइब टैक्स पीरियड क्या रहेगा ये सारे चेंजेस कब जब नोटिफिकेशन्स आएंगी तो आपको पता लगेगा ये सभी चेंजेस रिकमेंड कर दिए गए हैं अब हम बात कर रहे थे अपने क्रेडिट एंड डेबिट नोट की तो क्रेडिट एंड डेबिट नोट के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट अवेटेड जो चेंज है वो हो जाएगा जैसा कि आपके साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया है सेक्शन जो थर्टी की रेक्टिफिकेशन की थ्री बी रेक्टिफिकेशन जी एस रेक्टिफिकेशन आई क्लेम पीरियड के लिए अब इन्होंने जो एक कंडीशन लगाई जाती थी थी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो सितंबर महीना आएगा जब आप उसकी रिटर्न फाइल करेंगे उसकी थ्री बी फाइल करेंगे तब तक ही आप आई क्लेम कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये जो सितंबर महीने की जो रिटर्न वाली कंडीशन थी इसमें अब रिकमेंड कर दिया गया है कि तीस नवम्बर की डेट आप फिक्स कर दीजिए इन सभी चेंजेस के लिए तो सिमिलरली क्रेडिट एंड डेबिट नोट के लिए भी ये जो प्रपोज चेंज है ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर लिखा गया है एनी रजिस्टर्ड

तो जिस ईयर में सप्लाई हुई है उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट जो आपकी तीस नवंबर आएगी यानी कि वो सितंबर वाली कंडीशन को अब यहाँ से भी हटा दिया जाएगा तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट चेंजेस रहने वाले हैं आप सभी के लिए जो आपके लिए काफ़ी रिलीफ लेकर के आएंगे क्या रिलीफ लेकर के आएंगे इनका कहना है कि ये जो हम तीस नवंबर की डेट फिक्स कर रहे हैं ये दो पर्पज़ हमारे सर्व करेगी क्या करेगी इन द पोर्टल आफ्टर द कट ऑफ डेट पोर्टल पर भी ये जो है कट ऑफ डेट सेट कर दी जाएगी तो पोर्टल पर भी आफ्टर द कट ऑफ डेट नो अमेंडमेंट वुड बी परमिटेड तो पोर्टल पर भी ये चेंज कर दिया जाएगा कि इस कट ऑफ डेट के बाद आपको ये अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे एंड इट प्रोवाइड्स वन मोर मंथ टू टैक्स पेयर टू अमेंड देयर रिटर्न साथ ही पेयर को भी बेनिफिट होने वाला है उसको एक एक्स्ट्रा मंथ मिल जाएगा अपने रिटर्न के अंदर अमेंडमेंट करने का सिमिलर चेंजेस किए गए हैं अमेंडमेंट्स रेक्टिफिकेस एंड आई को लेकर के भी जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ तो ये काफ़ी अच्छे जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं ये कब से इम्प्लीमेंट होंगे जो कि मुझसे पूछा गया लास्ट वीडियो में भी तो दोस्तों जब तक कि नोटिफिकेशनस नहीं आ जाती तब से तब तक ये चेंजेस इंप्लीमेंटेड नहीं माने जाएंगे ये अभी प्रपोज किए गए हैं धीरे धीरे ये सभी चीज़ें आपको जी के अंदर ये चेंजेस जो हैं वो दिखाई देंगे जिनके अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी